नमस्कार, आप जो रहा दिवस भर टॉप 18 खबरों, अपनी साथे हूं छु झरणा। राजकोट में आवकवेरा विभाग नो मेगा ऑपरेशन हजू पण जारी। तपास मार्के ग्रुप ना डायरेक्टर की तबियत लथड़ी होवानु सामे आवी रह्यु छे। सर्वानंद सोनवाणी छे आरके ग्रुप ना डायरेक्टर, जेओने श्वास लेवानी तकलीफ थता वोकहार्ड हॉस्पिटल में खसेड़वामां आव्या छे। हाल सर्वानंद सोनवाणी ने आईसीयू में दाखिल कराया छे। आईटी द्वारा बे दिवस थी आरके ग्रुप ने त्यां दरोड़ा पाड़वामां आव्या छे ने हजू आवनारा 3 दिवस अहीं दरोड़ानी कार्यवाही यथावत रहेवानी छे। ते पहेला आरके ग्रुप ना डायरेक्टर ने हाल श्वास लेवामां तकलीफ पड़ती होवाने कारणे तेओने होस्पिटलाइज करवामां आव्या। तो राजकोट में गईकाल सांज थी बिल्डर और फाइनांसर सहित लोगों सामे चाली रहेलू आवकवेरा विभाग नू मेगा ऑपरेशन हजू बे दिवस सुधी चालशे। अत्यार सुधी 4 करोड़ की रोकड़ और 2 किलो थी वधुना सोनाना दागीना मळी आव्या छे। दस्तावेजों काची चिट्ठीओ और हार्ड डिस्क ने आधारे तपास चाली रही छे। पाछला 36 कलाकथी चाली रहेला आवकवेरा सर्च ऑपरेशन थी बिल्डर्स लॉबी में फफड़ाट फैलाई गयो छे। राजकोट में आवकवेरा विभागे मोटू सर्च ऑपरेशन हाथ धर्यु छे। 300 अधिकारीओ 30 जेटला स्थळों पर एक साथ सर्चनी कामगीरी हाथ धरी। आरके ग्रुप और गंगदेव ग्रुप पर तवाई बोलावी मोटा प्रमाण में बेनामी और रोकड़ वहीवट की आशंका सेवाई रही छे। मोटा पाये मळेली ज्वेलरी और काची नोंध की तपास चाली रही छे। आरके ग्रुप की फाइनांस पेढ़ी काची चिट्ठी करोड़ों रूपियाना व्यवहारों पकड़ाया छे। आरके ग्रुप कैश पर थता ट्रांजेक्शनों टैक्स नहीं भरीने टैक्स चोरी करता हता। टैक्स चोरी छुपावा ने पोताना मोबाइल में रहेला व्यवहारों बहार न आवे ते माटे बिल्डर्स फाइनांसरे पोताना मोबाइल बदली नाख्या हता, मैसेज डिलीट करी नाख्या हता, परंतु इनकम टैक्स की टीमें आ बधा ज मोबाइल अने व्यवहारों डेटा शोधी काढ्यो हतो अने भागीदारों ने व्हाट्सएप में मैसेज करीने तेनी पासे व्यवहारों मंगावता समग्र छुपायेला व्यवहारों सामे आव्या हता। 24 કલાકથી વધુનો સમય વીતી ચૂક્યો છે અને 300 જેટલા અધિકારીઓ દ્વારા આ સર્ચ ઓપરેશન હજી પણ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે। આ સર્ચ ઓપરેશનમાં અનેક બેનામી વ્યવહારો અને રોકડ રકમ મળી હોવાનું સૂત્રો પાસેથી પણ માહિતી મળી રહી છે અને હજી પણ આ ઇન્કમટેક્સનું સર્ચ ઓપરેશન વધુ લાંબુ ચાલે તેવી શક્યતાઓ છે તે સેવાઈ રહી છે। पहली बार एवं बन्यु कि आईटी विभागे बिल्डर्स ना रहनाक ऑफिस सहित ग्रुप नी साइट प्रोजेक्ट रहनाक विस्तारों तेना भागीदारों ना रहनाक अने ऑफिस ना स्थळे उपरांत घर खरीदनार ना घर सहित कुल 42 थी वधु स्थळे तपास हाथ धरी छे। राजकोट में 20 बिल्डर नी रोकड़ी लेती देती टोकन सिस्टम थी दैनिक चाले छे। काची चिट्ठी मार्फते नाणाकीय व्यवहारों थाय छे। आ पेढ़ी साथे केटला बिल्डर्से रोकड़ व्यवहारों कर्या छे तेनी चकासणी इन्कमटेक्स विभाग करी रह्यो छे। आगामी दिवसों में वधु बिनहिसाबी व्यवहार मळवानी संभावना छे। हरिन मात्रावाड़िया, न्यूज 18 गुजराती, राजकोट। राज्य में वरसाद की घट वच्चे खेडूतों की हालत कफोड़ी बनी रही छे। जलाशयों में सिंचाई नू पानी न मळता हवे पाक बड़ी रह्यो छे। राज्य में वरसाद की 45% घट वच्चे चिंताजनक स्थिति नू निर्माण थई रह्यु छे। हवामान विभागे पण नबळा चोमासानो स्वीकार कर्यो छे। मोटा भागना जलाशयों में जलस्तर 30-35% वध्यु छे। सरदार सरोवर बंध में 50% करता पण ओछू पाणी छे। डेम गया वर्षना आज समयनी सरखामणी में 20 मीटर जेटलो खाली छे। डेमना कैचमेंट विस्तार में सारा वरसादनी तंत्र अने लोको राह जोई रह्या छे। डेममां पीवानुं पाणी 30 सप्टेम्बर सुधी आरक्षित राखवानो निर्णय नर्मदा कंट्रोल ऑथोरिटीए कर्यो छे। बाकीनुं पाणी खेडूतोने सिंचाई माटे आपवानी जाहेरात कराई छे। राज्य सरकारनुं मानीए तो राज्यमां पीवाना पाणीनुं संकट नथी। राज्यमां पीवाना पाणीनी कोई तकलीफ नहीं पड़े ए प्रकारनी चर्चा अने आयोजन पण माननीय मुख्यमंत्री श्री, माननीय नायब मुख्यमंत्री श्री, नर्मदा अने सिंचाईना अधिकारीओए अगाउ पण चर्चा करेली, आजे पण चर्चा करी छे। રાજ્યમાં પીવાના પાણીની સ્થિતિ હાલ તો સંતોષજનક છે, જો કે ખેડૂતોની સિંચાઈના પાણીની સમસ્યા સર્જાઈ રહી છે। ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં ખેતરોમાં વાવણી સુકાઈ રહી છે। એક તરફ વરસાદ નથી પડતો તો બીજી તરફ ડેમમાંથી સિંચાઈનું પાણી નથી મળતું। ઉત્તર ગુજરાતમાં વરસાદના અભાવે દુષ્કાળના ભણકારા વાગી રહ્યા છે। મોટાભાગના ડેમ પણ ખાલીખમ હોવાથી ખેડૂતોની હાલત કફોડી બની છે। ખેડૂતોએ કઠોળ, એરંડા, કપાસ તેમજ ઘાસચારાની વાવણી કરી છે। જો અઠવાડિયામાં વરસાદ નહીં આવે તો તમામ પાક બળીને નાશ થઈ જશે। સુરતમાં પ્રમાણમાં વરસાદ સારો છે, છતાં ખેડૂતો સ્થિતિને દુકાળગ્રસ્ત જાહેર કરવા સરકાર સમક્ષ માંગ કરી રહ્યા છે। ગયા વર્ષ કરતાં આ સાલ 20-25 ઇંચ વરસાદ ઓછો છે અને તેમ છતાં ખેડૂતોની પરિસ્થિતિ ઘણી કફોડી બની છે। વરસાદ ઓછો આવે છે અને કેનાલોમાં પાણી પણ અત્યારે પૂરતા આવતા નથી,
तो सरकार ने मारे एवं कहूँ कि आ वस्तु ने जो दुकाळग्रस्त जाहिर करे ने तो पण खेडूतों ने कई लाभ थई शके छे। हवामान विभाग नु मानिए तो हजू 5 दिवस राज्य में वरसाद नी संभावना नहीवत छे, त्यारे सप्टेम्बर में जो हजू वरसाद खेंचाशे तो गंभीर जल संकट उभो थई शके छे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 गुजराती।